अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में दुबई इस्लामिक बैंक की जानिब से जो कार फाइनेंसिंग की सहूलत दी जा रही है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दुबई इस्लामिक बैंक आपको मुशारका और इजारा की शरई बुनियादों पर कार फाइनेंसिंग की सहूलत देता है, यानी कि आप सूद से पाक कार फाइनेंसिंग की सहूलत हासिल कर सकते हैं। तो इस हवाले से फतवा भी बैंक की वेबसाइट पे मौजूद है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, कार फाइनेंसिंग की एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस आपसे तब वसूल की जाएगी जब बैंक आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर देगा, इससे पहले आपसे कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। तो सबसे पहले हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। आपको यहाँ से दूसरे बैंकों की बनिस्बत लो तकाफुल रेट मिलेगा। तकाफुल इस्लामी इंश्योरेंस को कहते हैं। बैंक से आप जो भी कार हासिल करते हैं वो इस्लामिक कंपनी के साथ इंश्योर्ड होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है जी पेमेंट एडवांस। अगर आपने कोई गाड़ी एडवांस में बुक करवाई है तो बैंक आपसे रेंटल पेमेंट तब भी वसूल करेगा जब कार आपको हैंडओवर कर दी जाएगी, उससे पहले आपसे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं ली जाएगी। तो दोस्तों, आप फाइनेंसिंग अमाउंट पे आते हैं। दुबई इस्लामिक बैंक आपको कार की कीमत का 85% देता है। मिसाल के तौर पे अगर आप जो कार लेना चाहते हैं उसकी कीमत 15 लाख रुपए बनती है तो ये बैंक आपको 12,75,000 तकरीबन देगा। मिनिमम फाइनेंसिंग जो आप यहाँ से ले सकते हैं वो है 1 लाख रुपए, और जो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा फाइनेंसिंग आप ले सकते हैं वो है 50 लाख रुपए। तो आप इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देख लेते हैं। नई और पुरानी कार्स यहाँ से आप ले सकते हैं, लोकल और इम्पोर्टेड कार्स यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके बाद जी पेमेंट प्लान है, आप 1 साल से 7 साल के अरसे के लिए कार फाइनेंस की सहूलत यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जी अगर आप ये सहूलत दो लोग मिल के हासिल करना चाहते हैं तो आप दो लोग मिल के भी ये सहूलत हासिल कर सकते हैं, यानी कि आप किसी ब्लड रिलेटिव या किसी दोस्त वगैरह के साथ मिलकर भी ये सहूलत हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जी आप कितनी पुरानी कार यहाँ से फाइनेंस कर सकते हैं, तो यहाँ पे अप टू 9 ईयर, 9 साल, ज्यादा से ज्यादा 9 साल पुरानी कार आप यहाँ से फाइनेंस कर सकते हैं। इसके बाद जी इसका आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले इसमें सैलरी वाले बंदे अप्लाई कर सकते हैं जो सरकारी मुलाजमत करते हैं या प्राइवेट मुलाजमत करते हैं, जैसी भी मुलाजमत करते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपकी कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 60 साल की उम्र होनी चाहिए। इसके बाद जी दूसरे नंबर पे सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर आप अपना कोई काम करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी 21 साल कम से कम उम्र और ज्यादा से ज्यादा 65 साल इसमें उम्र चाहिए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है, अपना कोई कारोबार करते हैं, तो इसमें आपकी उम्र 21 साल और ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र 65 साल। नेक्स्ट आता है जी कि आपकी मंथली नेट इनकम कितनी होनी चाहिए। तो मंथली नेट इनकम आपकी 25,000 होनी चाहिए। ये सैलरी वालों के लिए भी 25,000 है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए भी और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन के लिए भी, तीनों कैटेगरीज के लिए 25,000 आपकी नेट इनकम होनी चाहिए। तो इसमें आप दो बंदे भी मिलकर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी जो सैलरी दो बंदों की मिला के भी 25,000 आपकी हो सकती है। इसके बाद जी आपका वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। जो सैलरी वाले हैं उनका जी वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे 3 मंथ्स का होना चाहिए, 3 महीने का। जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं उनका 6 मंथ का, 6 महीने का, और जो बिजनेसमैन है उनका जी 12 महीने का, यानी कि 1 साल का तजर्बा होना जरूरी है। तो अब हम देख लेते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले नादरा से जारी शुदा शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होगी। सेकंड नंबर पे अगर आपके साथ कोई को एप्लीकेंट है तो उसकी भी शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होगी। दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको चाहिए होंगे। लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स चाहिए होंगी जो सरकारी मुलाजमत करते हैं या प्राइवेट मुलाजमत करते हैं। इसके बाद आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी जो बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल्स हैं।
इसके बाद जी छठे नंबर पे आता है बैंक सर्टिफिकेट। ये बैंक सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा जिसमें आपने बैंक को प्रूफ देना है कि आपका जो मिनिमम बैलेंस आपके अकाउंट में रहता है वो कितना रहता है। इसके बाद जी यहाँ पे इसके जी पार्टनर्स हैं, लाइंस पार्टनर्स, टोयोटा है, सुजुकी है, होंडा है और पोर्शे वगैरह वगैरह। तो अब अगर आप दुबई इस्लामिक बैंक से ऑटो फाइनेंस की सहूलत लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑटो फाइनेंस कैलकुलेटर भी मौजूद है। आपने इसको क्लिक करना है तो यहाँ से आपकी गाड़ी की कीमत, आपकी गाड़ी की जो मंथली इंस्टॉलमेंट वगैरह है वो यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई की सहूलत मौजूद है। आपने यहाँ से अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है, ये फॉर्म ओपन हो जाता है और यहाँ से सबसे पहले आपने अपना फुल नेम एंटर कर देना है। इसके बाद आपने अपना यहाँ पे फोन नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ऑटो फाइनेंस आपने सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपने प्लीज इंटर योर सिटी, आपने अपना सिटी इंटर करना है। इसके बाद आपका CNIC आपका शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे आ जाएगा और इसके लास्ट में आपका ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपने आप यहाँ पे सबमिट कर देना है। इसके बाद आपसे बैंक का नुमाइंदा खुद रब्ता कर लेगा। इसके अलावा भी अगर आप इनसे दूसरे तरीकों से अगर रब्ता करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे फोन नंबर की सहूलत भी मौजूद है। आपने यहाँ से डायरेक्टली इनको कॉल भी कर सकते हैं और इसके अलावा अगर यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट मी के ऊपर भी अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट मी पे भी रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको इनकी ब्रांच का नहीं पता तो आप ब्रांच जो है यहाँ से आप सर्च करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे सिंपली फाइंड अ ब्रांच के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इनकी ब्रांच अपने करीब तरीन जो ब्रांच होगी आपने वो सर्च कर लेनी है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर मजीद आपका कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप वो सवाल पूछ सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे दीजिए आप इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।